हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खान। और बड़े अरसे से मैंने इस तरह की स्टोरी टाइम वीडियो नहीं किया, और आप लोग कुछ कहते भी थे कि यार मूसा भाई ब्लॉग्स तो बनाते, कुछ स्टोरी टाइम करो। बड़े लोग आप में से ये भी कहते हैं कि मूसा भाई डेटिंग एडवाइस तो डेटिंग टिप दो। मैंने कहा वो तो आगे वाली वीडियो में आती रहेंगी, लेकिन जो ये वाली वीडियो है ना जिसमें मैं अपनी बताने जा रहा हूँ आपको स्टोरी, मेरी फर्स्ट एवर ऑफिशियल डेट जिसमें मैं एक लड़की के साथ अकेला गया था डेट पे पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही क्रिंज थी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कहूंगा दिस स्टोरी इज फॉर दोज हु आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, फॉर somebody who fumbled their date, or someone who's single. You guys are in for a hot plate of cringe shawarma being shoved down your throat in just a bit. The story has a kind of a sad ending, so just like, you know, stay tuned, watch the video till the end to know what actually happened, so you guys might learn something. Story shuru karne se pehle mere channel ko zarur subscribe kar dein, bhai ki help hoti hai, it's free, you know. तो बेसिकली स्टोरी शुरू होती है इस लड़की से। इस लड़की को हम नाम रख देते हैं फातिमा। अब ये बात है ओ लेवल्स की, ये 7 साल से भी पहले की बात है, 2014 की, कर लो 9 साल पुरानी बात है। तो मैं जाता था लीड्स एकेडमी। लीड्स एकेडमी बेसिकली ये ग्रीन हॉल वगैरह उस टाइम पे बड़ी पॉपुलर होती थी, जहाँ पे आप 3-4 हजार देते थे पर मंथ। तो ये वाला टाइम था, मेरी इस्लामियत स्टडीज की क्लास थी, राइट। तो मैं इस्लामियत की अपनी क्लास में बैठा हुआ था, फुल विंटर का सीजन था, तो मैं फुल टाई शाई लगा के, स्वेटर पहन के, कोट पहन के, ना बड़े बड़े बाल थे मेरे, उस वक्त मैं चबी था, मोटा नहीं था लेकिन चबी था थोड़ा सा। 5 मिनट हो गए क्लास को शुरू है और एक पीछे से लड़की एंटर होती है। मैंने हल्का सा ग्लैंस के साइड पे मैंने कहा तो बड़ी यार खूबसूरत लड़की है, अच्छा चलो क्लास में ना यू नो आंखों को ठंडक मिलती रहेगी, उस वक्त तो यही सोचती। हुआ क्या कि वो लड़की थोड़ा सा वो आगे गई, उसने इधर उधर देखा, घूमी मेरी तरफ देखा, स्माइल दी उसने और आगे मेरे साथ बैठ गई। मेरे साथ जब वो लड़की बैठी मैंने कहा लड़की मेरे साथ बैठ गई, वो भी इतनी प्यारी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं। अब पूरा लेसन ना वो इस्लामियत का, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने वो इस्लामियत स्टडी पे फोकस नहीं किया, बस मैं यही सोचता रहा कि यार ये लड़की मेरे साथ आगे बैठ गई मैं क्या करूं। पूरी क्लास जो गुजारी थी ना मैंने उसकी तरफ एक दफा भी नहीं देखा पीछे। तो मैं ना इस तरह करके बैठा हुआ था, वो लड़की यहाँ पे बैठी थी, मैं इस तरह करके बैठा था, नोट्स बना रहा था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़ के इसकी तरफ एक दफा देख लूं, बात कर लूं, कि मैं इतना डरा हुआ था। जितना नहीं लड़कियां अगर नाराज हो जाती हैं आपसे तो फिर उनके पांव साइड पे हो जाते हैं गाड़ी में, मैं भी इसी तरह पांव साइड पे करके ना टीचर की तरफ देख रहा था। बेल बजी, ठीक है, वो ऐसे उठ के गई है भाई, उसने यही सोचा होगा ना कि क्या यार ये सिसी वो है, आके बैठी उसको मौका दे रही, कोई बात करे, बात ही नहीं की। मैंने कहा शिट यार, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में ऐसा मिलता है किसी को लाइफ के अंदर, वो नहीं होता कि आप लड़का लड़की जा रहे होते हैं उनकी टक्कर हो जाती, किताबें गिर जाती, तो जब आप किताब पे हाथ रखते हैं तो लड़की के हाथ पे आपका हाथ आ जाता है। एनीवेज हो गया जो भी हो गया। अब थोड़े दिनों बाद ना मेरा एक दोस्त था यार, वो कहता है कि यार तेरी इस लड़की से कराता हूँ मैं सेटिंग। यार उसकी दोस्त ने और मेरे दोस्त ने मिलकर हमारी बात करा दी, ठीक है। अब जब हमारी बात कराई वो बड़ी ऑकवर्ड थी, तो उसने कहा ये तुम इतने ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो, मेरे से तुम बात कर सकती हो, उसकी बात भी ऐसी थी। मैंने कहा हाँ वो तो मैं डोंट नो कि उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ। मैंने कहा हाँ वो बस यू नो वो तुम्हारा फेसबुक क्या है, वो मैं फेसबुक पे फिर आपको मैसेज करूंगा और फिर हम वहाँ पे बात करेंगे, अभी ना थोड़ा सा एकेडमी में सारे लोग देख रहे हैं। तो कह रहे हैं हाँ हाँ उधर कर लेंगे बात, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो, लाइक रिलैक्स चिल। एंड आई वाज लाइक क्या कह रहे हो, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई वाज लाइक नो आई स्पीक इंग्लिश, बट आई वाज सो नर्वस यार इस वक्त मोमेंट पे, ऊपर से इंग्लिश बोल रही हो भी इतनी स्पीड में। और वो एमयून वाली लड़की थी ना, एक तो एमयून वाले जो लड़के होते हैं ना की डिबेटिंग आती नहीं, एमयून का स्टैम्प लगा के शोक हो जाते थे। तो हमारी फेसबुक पे बातें चलती रही, यू नो मैं क्रिंज क्रिंज उसका डायलॉग मारता गया। उसको एक डेट पे बुलाने की कोशिश की, वो एक एकेडमी के बाद ना जाके ना मेन मार्केट गुलबर्ग में आई डोंट नो कोई बेकरी से कुछ पकड़ के खाएंगे, बहुत अरसे पुरानी बात। आखिरी मोमेंट्स में उसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये वो फलाना, फिर मुझे बाद में जाके पता चला कि वो एक और लड़के से साइमल्टेनियसली बात करी थी। अब वो लड़का यकीन मानो उस टाइम पे बड़ा चिकना बॉय होता था, मैं कहता हूँ फुल वनीला बॉय नहीं होता वो बंदा, लाइक मैं कहता हूँ कि भाई स्टार था उस एकेडमी का, आता था सारी बच्चियां घूम के उसे देखती थी। वो उस वक्त फातिमा को ले गया, ठीक है। 2 साल हो गए बात को, मैं आ गया ए लेवल्स में, तो मैं नया नया पतला हुआ, 2016 की बात है। अब मैं ड्रामा टीम में होता था, ठीक है, तो मैं ग्रामाथॉन जा रहा था, ग्रामाथॉन एक होता था इवेंट, वो चली गई थी एलजीएस 1A1 में, तो 1A1 का इवेंट होता था। तो उसका मुझे मैसेज आया एकदम से, फातिमा हार्ट बीट फिर तेज, मैं पतला हो गया ना नया नया, मैं पतला हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो भाई सही, मतलब कि नया नया पतला हो तो साथ ही इसका मैसेज आ गया। तो खैर वो कहती मैं तुम्हारा ना मैं मीडिया डायरेक्टर हूँ, तो मैंने ना तुम्हारी टीम का नाम देखा था हमारे इवेंट पे और ना उस पर तुम्हारा भी नाम लिखा था, मैंने सोचा तुम्हें हिटअप करूँ। मैंने कहा हाँ हाँ ये वो मैं कूल शुरू हो गया, मैंने कहा मैं ड्रामा हेड हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही थी। इवेंट पे गए, 3 राउंड से ड्रामा गए, पहला राउंड मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दी मास्टरफुल, क्योंकि मुझे पता था वो, मुझे प्ले की टेंशन नहीं थी, मुझे ये टेंशन थी कि वो ऑडियंस में बैठ के देख रही है
चाहिए मुझे उस ना प्ले में, मैं ना सूट वूट भी बड़ा अच्छा पहना था, बड़ा अच्छा गेटअप था, सेक्सी लग रहा था फुल टाइम। जो तारीफें हुई हैं उसकी ग्रुप की लड़कियों ने भी, सर ने कहा वाओ यू वर लुकिंग सो कूल ना, और उसकी दोस्तें मुझे हाइप अप करने जा रही थी और कही थी ओ वी डोंट वांट टू डू द थर्ड व्हील, यू गाइस शुड हैव योर टाइम। बड़ा अच्छा जा रहा था, मैंने उसको फिर कैफेटेरिया में जाके खाना शाना खिलाया। नाउ दिस इज नॉट द ऑफिशियल फर्स्ट डेट, अभी वो आएगी बाद में। उसके बाद आई थिंक लम्स ड्रामा फेस्ट था या कोई इस तरह का सीन था, इवेंट था, तो उससे पहले ना मैंने इससे पूछा विल यू लाइक टू गो टू अ डेट विद मी, तो उसने कहा ओ माय गॉड यस वी कैन डू दैट। मैंने कहा एक डेट पूछी और एक्सेप्ट हो गई, मेरी क्रश फातिमा, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब अगले दिन ना वली भाई ने मुझे एक आइडिया दिया, वली भाई ने कहा तू लम्स ड्रामा फेस्ट जा रहा है ठीक है, तू लम्स में उसको इन्वाइट कर डेट के लिए, वहां पे तू फिर भी सकता, कोई तुझे कहेगा भी कुछ नहीं, और लम्स पे यू नो कोई मसला होगा तो मैं भी हाजिर हूँ वहाँ पे, क्योंकि वली भाई लम्स जाता था उस वक्त। है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लम्स ड्रामा फेस्ट शुरू हुआ। अब इससे ना सेफ्टी के लिए अपनी दोस्त भी साथ लिए, एक तो जो पाकिस्तान में लड़कियां दोस्त ले आती है ना अपनी साथ, सबसे बड़ी मुसीबत होती है। खैर मोर ऑन दैट लेटर, वो दोस्त चली गई, कहती कि चलो तुम दोनों अपना टाइम लो। अब हम बातें शाते शुरू कर रहे हैं अब एक और मसला था, ये मैं बड़े लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि ना करें मैसेजेस पे, इतनी बात आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आप ना लड़की साथ डेट पे जाओ। मैसेजेस पे हमें हर दूसरे का हर चीज पता थी, अब डेट पे असल में ना मुझे कोई बात ही नहीं करनी आ रही थी, मैं कहता हाँ आज की शाम बड़ी अच्छी है वैसे, वो भी कह रहे हैं। अब वो असल में वेट कर रही थी कि इस तरह का क्यों जिसमें ना मैं उसका हाथ पकड़ लूं। अब हम साथ साथ चल रहे थे, हमारे हाथ ना यूं टच हो रहे थे, लेकिन मेरे अंदर इतना पानी नहीं था कि मैं यूं करके पकड़ लूं उसका हाथ। ना नोटिस कर लिया कि यार मेरा हाथ कांप रहा है। उसने कहा तुम कांप क्यों रहे हो? मैंने कहा वो कुछ नहीं, ठंड है बड़ी ज्यादा ना। उसने कहा नहीं ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो फुल गर्मी हो रही, क्या हो गया? मैंने कहा यार वो बस वैसे ही ना थोड़ा हाइपोथर्मिया हो रहा है, आई डोंट नो यार। उसने कहा इवेंचुअली चलो जाके कुछ खाते पीते हैं जी। उसके बाद हम गए कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में जब हम गए ना, तो मी बीइंग द सिंप आई वाज बैक इन द डे, मैंने ना ऑर्डर कर लिया उसके लिए खाना वगैरह। अब क्लियरली उसको इंटरेस्ट नहीं रहा मेरे अंदर ना, हमारी कोई बात ही नहीं बन रही थी। वो कहती एक्साइटिंग नहीं, कोई मजे की बात ही नहीं कर रहा, फजूल से क्वेश्चन पूछ रहा है तुम ए लेवल्स में कौन से सब्जेक्ट लोगी, फिर तुम क्या करोगी, फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारी क्या है, मतलब इस तरह के सवाल नहीं उस वक्त मैं पूछता था कि व्हाट डू यू लुक इन अ गाय, और ये वो ना जो कि थोड़ा सा यू नो उसकी तरफ लेके जाते हैं रोमांस की तरफ। अब पता नहीं इसको भूख लगी हुई थी क्या थी, वो ना सैंडविच खा रही थी जैसी है ना खाना शुरू हो गई। मैंने कहा यार वैसे लगता है तुम खाने की बहुत शौकीन है, कुछ ज्यादा ही खा रही हो। ओए होए जब मैंने वो बात कर दी ना, उसने कहा एक्सक्यूज मी, तो बो भाई उसके बाद जो वो मैंने बात कर दी उसके बाद उसकी ना दोस्त, उसने कहा अच्छा मैं ना अपनी दोस्त को बुला रही हूँ, तो तुमने अगर यहाँ पे बैठना है बैठ जाओ, मैं सोची मैं थोड़ी देर में चली जाऊँ। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। अब उसकी दोस्त आई है ना, तो वो उससे बातचीत कर रही है, तो उसने ना सर इस तरह करके रखा हुआ, तो मैंने उससे भी बड़ा मेगा मूव मारा। मैंने कहा यार मैंने पूरा दिन हमारी हैंड टचिंग वचिंग कुछ नहीं हुई, क्या कर सकता हूँ जिससे इसका मैं प्यार वापस हासिल कर लूँ। मैंने क्या किया जी, वो उसका सर नीचे हुआ था तो ना मैंने अपना हाथ आगे किया और मैंने उसके बालों पे प्यार करना शुरू कर दिया। दोस्त ने उससे कहा एक्सक्यूज मी क्या कर रहे हो, तो मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो और इस तरह प्यार कर रहे हो जिस तरह मैं तुम्हारे कोई कुत्ता हूँ या कुत्तियां हूँ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अपनी तरफ से जेंटलमैन बना। मैंने कहा नहीं, वो असल में मेरी जो बिल्ली है ना, मुझे जब उस पे प्यार आता ना तो मैं उसको प्यार करता, तो मुझे तुम पे प्यार आ रहा था। मैंने कहा ओ अच्छा दैट्स वियर्ड। जब मैं वहां पे बैठा हूँ उस तरह करके, और वो दोनों बातें शुरू कर दी उन्होंने ना अपनी, के उसकी दोस्त बता रही वो ना एक लड़का मैंने देखा इतना हॉट था यार, वो लड़का जा रहा था पता नहीं ड्रामा फेस्ट की परफॉर्मेंस थी, और जिस लड़की के साथ फातिमा मैं डेट करते थे। अच्छा कैसा था, क्या पहना होता उसने? मैं सामने बैठा हूँ, मेरी डेट चल रही है यार। उसके बाद उसने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उस वक्त बड़ी मुश्किलों से मुझे यार गाड़ी मिलती थी, तो उस दिन मिली हुई थी। मैंने कहा तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ कोई मसला नहीं। कहते नहीं नहीं नहीं, वो हमारे ना एक साथ वालों का लड़का है, तो ना मेरे अबू से जानते हैं, तो ना वो मुझे ना पिक कर लेगा ड्रॉप कर लेगा। मैं लड़का है कौन लड़का? कहते नहीं ऐसे ही लड़का है रैंडम सा, कोई हमारी इतनी बातचीत नहीं। अब वो चली गई घर, मैं भी ड्रामा फेस्ट चला गया। घर गया ना तो मैं बेड पे लेटा हुआ डिप्रेस, ठीक है मैंने ना फोन स्नैपचैट उस वक्त नया आ गया था तो मैं देख रहा, तो उसकी स्नैप लगी हुई। मैंने कहा वो स्नैप इसने कब लगाई, मेरे साथ तो पूरा दिन लगाई नहीं। मैंने स्नैप खोली, पहले तो ना ड्रामा फेस्ट की थी वो, बस ना लम्स की, मैं लम्स में हूँ। दूसरी स्नैप खोली यार उस लड़के के साथ, उस लड़के के साथ, और इस तरह करके थी। वो लड़का ना ड्राइवर सीट पर था अपनी होंडा सिटी में साला, बाल उसके पीछे वो फुल नहीं होते टाइट शर्ट वाले लड़के, यूं करके ना यूं कर रहा अपनी आंखें छोटी करके, नहीं इस तरह टिपिकल करते लड़के, यूं उसके अंदर घुसी हुई है और उसका हाथ उसके पट पे लिखा हुआ है लेट नाइट शेनानिगंस, और वो यूं करके ना लेट नाइट शेनानिगंस कलरफुल सा लिखा हुआ है। जो मेरे दिल में उस वक्त थंडरस्टॉर्म आई है, वो कहते ना फुल एपिक इंडियन मोमेंट, आगे थे मेरे ना शीशा स्क्रीन का टूटना शुरू हो गया, फिर थंडर आई, मेरे यू शक्ल हो रही है, फिर यू शक्ल हो रही है, फिर मैं यू टाइम की तरफ देखूं, स्नैपचैट की तरफ देखूं, शुंग शुंग शुंग। पहले तो डिनायल वाला होता कि ये मेरी सिलेक्शन होगी है, बाद एक आंसू आना शुरू हुआ और फिर दूसरा आंसू आना शुरू हुआ। यार मैं रो रहा था उस लड़की के लिए यार, व्हाट द फक,
मैन। लेकिन वो पहला हार्ट ब्रेक था यार, वो मेरी जिंदगी का। उस रात मैं रोया, आई क्राइड माई सेल्फ। यार तुम लोग देख लो, मैं तुम लोग अपने पास्ट की बता रहा हूँ, डजंट मैटर नाउ, फक इट, बट लाइक उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं एक बच्ची के पीछे रोया था। फिर क्या हुआ? मीनाई 2016 की बात, एंड लुक एट मी नाउ, यू गाइस सी मी। अब तो मेरी यू नो एंगेजमेंट है मीना के साथ और सारा कुछ चल रहा है, सीन गुड है। लड़कियों के साथ बीच में डेट वगैरह भी किया है, लेकिन अब मेरे साथ मीना है, मीना से मेरी एंगेजमेंट है, एवरीथिंग वर्कड आउट जस्ट फाइन। मौजू ये इस बात का लड़कों के लिए कि यार इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर लड़की तुम्हें इस तरह फ्लेक करती है ना, इतनी बुरी तरह तुम्हारे साथ ये बर्ताव करती है, कोई ना कोई लड़की आके रिप्लेस कर लेती, कोई जाता तो कोई आता भी है, ये जिंदगी का लॉ है, ठीक है। और लड़कियों के लिए मैं यार एक मैसेज है यार, पाकिस्तान की इकॉनमी एज इट इज इतनी बुरी है, एक लड़का अगर अपनी पॉकेट मनी से, ठीक है, तुम्हें बाहर लेके जा रहा है, तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है, पता नहीं किस दोस्त से गाड़ी की होगी, अपनी ट्यूशन, मैं अपने उन दोस्तों को जानता था, अपनी ट्यूशन की क्लासेस स्किप करके ना, जो पैसे मिलते थे उन्हें अकेडमी के, वो वैलेंटाइंस डे पे लड़कियों को भाई परफ्यूम दिला रहे होते थे 5,000 के, खुद कभी एक्स के बॉडी स्प्रे से ऊपर नहीं गए थे। ठीक है, अगर तुम्हें सिविक वाला लॉन्डर एट द एंड ऑफ द डे पसंद है तो ठीक है, बट एटलीस्ट बी नाइस यार, यू डोंट हैव टू लाइक पोस्ट स्टोरी। अगर उसने स्टोरी लगानी थी स्नैपचैट पे तो कस्टम करके मुझे प्राइवेट कर देती, मुझे दिखाने के लिए स्टोरी लगाई थी। हाँ ठीक है, दैट ट्रॉमा वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बट स्टिल यार यू हैव टू बी, आई थिंक यू शुड बी नाइस। लड़के यार आजकल के आपको पता नहीं, मुझे पता है आप लोगों को भी बड़े घर से मुश्किलों से इजाजत मिलती है, लेकिन यार स्टिल ये लड़के दे सैक्रिफाइस अ लॉट टू मीट अप विद यू गाइज एंड टेक यू गाइज ऑन अ डेट। खैर यार ये बहुत लंबी रेंट हो गई, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। फिर मैं डेटिंग वाली एडवाइस वाली भी वीडियोस बनाऊंगा, कुछ लोग जो अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढना चाह रहे हैं और किस तरह की लड़की आपको देखनी चाहिए और किस तरह का लड़का देखना चाहिए, उस तरह की भी वीडियोस बनाऊंगा, रिएक्शन वीडियोस भी बनाएंगे और व्लॉग्स भी करते रहेंगे। व्लॉग्स मैंने बस कहा, ब्लॉग से हटके बनाता है, बहुत देर से व्लॉग्स कर रहा था। सी यू गाइस।